अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आप संकीर्तन देख सकते हैं। एक बड़ी संख्या में लोग जो है संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। तस्वीरें आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये पालम विहार की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस संकीर्तन का पार्ट बने हैं। और क्या मकसद है, क्योंकि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो कुछ इसी तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये खुशी किस तरह की है, किस तरह का आयोजन किया गया है, प्रभु जी ये बताइए कि किस तरह से आप लोग ये कर रहे हैं, क्या मकसद है इस पूरे संकीर्तन को निकालने का? हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रशांत मुकुंद दास है और हम यहाँ पर जन जन के अंदर राम राज्य अभियान को लाना चाहते हैं। अयोध्या में मोदी जी के द्वारा राम जी की प्रतिष्ठा तो हो गई है, लेकिन लोगों के हृदय में राम जी की प्रतिष्ठा कैसे होगी, उसके लिए हरिनाम संकीर्तन एक माध्यम है। जैसे आज इस्कॉन द्वारका के माध्यम से आज 5000 से अधिक भक्त संख्या में आकर के और पूरी रोड रोड पर लोगों के बीच में संकीर्तन करते हुए लोगों के हृदय में श्री राम को स्थापित करते हुए लोगों को कल्याण और सुख प्रदान कर सकता है, और केवल केवल हरिनाम संकीर्तन। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं, बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, और आप देखिए ये जो साथ में कुछ बुजुर्ग भी हैं जो कुछ लेके चल रहे हैं, क्या क्या चीजें? तो इसमें भगवान के विग्रह हैं, श्री जगन्नाथ जी हैं, श्री रामचंद्र हैं, श्री गौरंग नित्यानंद हैं, श्री राधा कृष्ण हैं। तो सभी मूल विग्रह जो भगवान के विष्णु तत्व हैं उनके सभी रूपों को लेकर के अपने सिर पर धारण करके जिस प्रकार से समाज में आज लोग ग्रंथों को या भगवान को उतना मूल्य नहीं देते हैं, उनको ये शिक्षा देने के लिए कि भगवान सिर पर अगर धारण करेंगे, शिरोधार्य करेंगे तो जगत का कल्याण हो सकता है। तो आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखिए महिलाएं हैं जो दूर दूर से आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो गुड़गांव से हैं। गुड़गांव से? पालम विहार से। पालम विहार से? इस्कॉन द्वारका मंदिर से। इस्कॉन द्वारका मंदिर से आए? आप कहाँ से आएंगे? इस्कॉन द्वारका मंदिर। मोदी जी ने जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया उसके बाद आप लोग यहाँ पर आप धीरे धीरे राम राज्य को। हाँ जी हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। बड़ी संख्या में आप देखिए ये यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और कुछ इस तरह से आप देखिए ये लेकर के मूवमेंट कर रहे हैं कि क्या है ये, इस पर हम थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से बनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा जी क्या है ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कहाँ से आए? हम इस्कॉन द्वारका से। अच्छा, तो ये आप देखिए राम राज्य को लेकर के पूरी तरीके से इसको दिल्ली में बनाया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। बड़े बड़े कोठियां हैं, आप देखिए बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, बाहर आएं। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरीके से, उसी तर्ज पर राम, श्री राम और श्री कृष्ण की के लिए भक्त जो हैं वो अब सड़कों पर कुछ इसी तरह से जश्न बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली में ये अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। वीडियो संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, पालम विहार।